माय गॉड दया, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे भी लोग यार। फ्री फायर में कुछ तो गड़बड़ है दया। तो देख सकते हैं भी लोग यार, वंस अगेन हमारा फ्री फायर सर्वे मेंटेनेंस अपडेट आ चुका है। क्या लगता है भी लोग, फ्री फायर कम बैक मारेगा या फिर फ्री फायर हमेशा के लिए बैंड हो जाएगा और फ्री फायर मैक्स का इंडिया में द स्टार्टिंग हो जाएगा? देखते हैं भी लोग। तो चले भी लोग यार, हमारा फ्री फायर सर्वे में आ गया मेंटेनेंस अपडेट। तो सोचा धोते जाओ, मैं भी मोहित मामू भी इसमें कुछ गंगा में हाथ धो लेता हूँ और अपडेट का एक वीडियो डाल देता हूँ। तो बात की जाए पहली अपडेट के बारे में, तो बिल्लो यार यहाँ पे हमारा क्लैश स्क्वाड का सीजन 3 आ चुका है, जिसमें हमें पीली कलर की एक टट्टी सी M14 की स्किन मिलने वाली है। यार फ्री का धन है यार, लूट लो यार फ्री का धन हो गई। तो क्लैश स्क्वाड सीजन 13 में बिल्लो यार हमें फ्री फायर का एक M14 का फ्री का स्किन मिलने वाली, जो कि येलो कलर की होने वाली है। नेक्स्ट बात की जाए कैरेक्टर स्किल, तो माय गॉड यहाँ पे टोटली कैरेक्टर्स को ही अपडेट कर डाला रे बाबा। ये क्या किया? तो चलो बिल्लो देखते हैं। सबसे पहले बात किया तो बिल्लो यार वीडियो जाते मैं लंबा टीनूंगा नहीं, ओके, छोटा सा वीडियो करूंगा, जितना छोटा उतना बेस्ट रहेगा, लेकिन यार अपडेट देना जरूरी, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग समझ लो। तो बात की जाए पहला वुल्फार कैरेक्टर के बारे में, तो बिल्लो यार इस कैरेक्टर को लेकर हमें कुछ एडवांटेज मिलने वाला है। जो बंदा ऑनली रेड नंबर मारता है, रेड नंबर अगर आप मारते हो रेड नंबर, तो आपका 30% तक आपको कि हेडशॉट रेट ज्यादा लगेगा। बात की जाए सेकंड कैरेक्टर जो कि डिमिट्री है, तो बिल्लो यार डिमिट्री कैरेक्टर को पहले लेते थे, जब हम लोग रिवाइव खुद को करते थे तो एचपी हमें बहुत कम मिलते थे, लेकिन नहीं अब नहीं, अब हम बिल्लो यार डिमिट्री कैरेक्टर से जब खुद को रिवाइव कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक अगर 200 HP लेके खेल रहे तो फुल 200 मिलेगा, 500 लेके रहे तो फुल 500 मिलेगा, 50,000 लेके तो 50,000 मिलेगा। अबे 50,000 HP थोड़े मिलता है कुछ भी। तो बात की जाए नेक्स्ट डीबी बुलेट स्पीड्स के बारे में, तो बिल्लो यार मूवमेंट स्पीड इंक्रीज बाय 15-20%, यानी कि हमारा मूवमेंट 15-20% मर जाएगा जब हम दौड़ेंगे चलेंगे जो भी, यार समझ लो आप लोग, ठीक है। तो यार हमें ये डीबी सी जो भी है यार 15-20% हमारा मूवमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वन ओनली मोस्ट पुराना कैरेक्टर, सबसे ज्यादा हाई पावरफुल आलोक भैया। बिल्लू लोग मुझे आलोक चाहिए, कोई तरीका है भीक मांगने का? तो बिल्लो यार आलोक में बात की जाए तो हमारा कूल डाउन जस्ट 45-50 सेकंड का, यानी कि हमारा आलोक जब ठंडा हो जाता तो वापस रिकवर लेने में 45 सेकंड समय लेता था, अब बेचारा लेगा 50 सेकंड। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं। और यहाँ बात की जाए स्टेफी पेंटेड रिफ्यू, यहाँ पे स्टेफी कैरेक्टर इसका भी लोग कुछ खास एबिलिटी चेंज नहीं हुआ, बस इसका कूल डाउन 90 सेकंड 60 सेकंड कर देगा। यहाँ की यहाँ पे एक एडवांटेज, 90 सेकंड में जो बंदी कूल डाउन होती थी बेचारी 60वें सेकंड में हो जाएगी। वाह वाह बात है, क्या बात है बिल्लो यार, ये यहाँ पे बात की जाए बिल्लो यार क्रोनोट टर्नर क्रोनोट का यहाँ पे 120 सेकंड 110 सेकंड कर दिया। अरे 10 सेकंड कम करके क्या होगा रे बाबू, 10 सेकंड तक क्या होता है बिल्लो? चलो कोई बात नहीं, क्रोनो का बिल्लो यार 10 सेकंड का एडवांटेज हमें मिला है एबिलिटी जो कि जल्दी चार्ज होगा। और बात की जाए एक्सेने जो कि जिस कैरेक्टर को लेकर बिल्लो यार हमें SP 80 HP मिलता था, अब उस कैरेक्टर को लेकर बिल्लो हमें कितना मिलेगा, 120 HP। वाह। और यहाँ बात की जाए बिल्लो यार ग्लूवल तोड़ने पर हमें 130% मिलता था, वो 200% का मिलेगा। वाह। और टाइम ड्यूरेशन बिल्लो 15 सेकंड से 6 सेकंड हो गया। माय गॉड। तो यहाँ पर बिल्लो यार जो एक्सेने पैक्सेने सेक्सेने जो भी कैरेक्टर है इसका हमें गजब का एडवांटेज मिला, क्योंकि जो हमें 80 HP मिलता था बोनस के रूप में, अब वो बढ़ा के 120 HP मिलेगा। ग्लूवल को जब हम डैमेज देते थे 130% का जगह 200% डैमेज मिलेगा। और बात की जाए टाइम ड्यूरेशन की, 15 सेकंड से 6 सेकंड कर दिया गया। वाह वाह बेटे मार्च कर दी। और नेक्स्ट कैलेंडर बिल्ड लोग यार, नेक्स्ट कैरेक्टर कैलेंडर नहीं रे बाबू, कैरेक्टर कहाँ मामू काका बोलता था समझे में नहीं आता। तो नेक्स्ट कैरेक्टर बिल्ड लोग यार बात की जाए वुकोंग, तो वुकोंग का मूवमेंट स्पीड 20% से 10% कर दी गई, इसमें भी कुछ खास चेंजेस नहीं, बस मूवमेंट 20 से 10 किया गया, यानी घटाया ही है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लास्ट में बता दूंगा बिल्ड यार किस कैरेक्टर का एडवांटेज हुआ, किस कैरेक्टर से हमें लॉस हुआ, ठीक है। बात की जाए केंटा पेंटा सेंटा के बारे में, जो कि बहुत मेंटा खाता है, तो डैमेज रिड्यूशन 50 से 65%, यानी कि इसका डैमेज जब हम इस कैरेक्टर को लेकर खेलेंगे तो हमें डैमेज 50 के मिलता था, वो अब 65 के मिले, यानी कुछ बढ़ा है। और बात की जाए कूल डाउन, तो 160 सेकंड था, तो माय गॉड 70 सेकंड का था, यहाँ पे फुल ऑन आधा, फुल आधा से थोड़ा सा ज्यादा, आधा पतंगोन पादा बिल्लो यार कैंटा करेक्टर मिला। अब हम बात करते हैं बिल्लो लोग जो कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है, स्काइलर भाई। तो स्काइलर कैरेक्टर के बिल्लो यार कूल डाउन 40 सेकंड से 60 सेकंड कर दिया। भाई ये गलत किया बिल्लो यार, जो स्काइलर चाचा हमारा तुरंत चार्ज होता बेचारा गोरखा को 60 सेकंड में चार्ज कर, यानी कि 1 मिनट पूरा पूरी ले लेगा। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि क्लू कैरेक्टर है बिल्लो, इसका टाइम ड्यूरेशन भी 7 सेकंड 10 सेकंड कर दिया गया, कूल डाउन 60 से 50 सेकंड कर दिया गया। और हमारे अभी
फ्री फायर में लोग यार बरमूडा मैप में जो गाड़ी वाला कैरेक्टर चल जिसको मिस एंजल बड़ा अच्छा से ड्राइव करती है, ठीक है। तो मीसा कैरेक्टर में लोग ड्राइविंग स्पीड 20% 10% कर दिया गया, यानी कि स्पीड में थोड़ा सा कमी है और एंजल के यहाँ पर यानी कि दिल में थोड़ी सी जरूर नमी होगी क्योंकि एंजल का यार गाड़ी बहुत पसंद है। बात करिए डैमेज रेड्यूशन का 30%, ये भी 20% कर दिया गया। और सबसे लास्ट हमारा नायरा जो भी यार एयर एक्स्ट्रा डैमेज टू ग्लोअर 25-30%, यानी कि एयर से जब हम गन से मारेंगे तो हमें एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा 25-35%। तो बात की जाए बिल्लू यार किस कैरेक्टर में फायदा हुआ है, तो सबसे पहले हमें वुल्फार में थोड़ा सा फायदा हुआ हेडशॉट का, डिमिट्री में बहुत ज्यादा फायदा हुआ फुल एचपी का। बात की जाए डीबी का तो हमें इसमें लॉस हुआ, आलोक में भी हमें लॉस ही हुआ है, स्टेफी कैरेक्टर को यूज करता नहीं, क्रोनो कैरेक्टर में थोड़ा सा एडवांटेज मिला ओनली 10 सेकेंड का, एक्सेने का तो बात ही मत पूछिए सबसे ज्यादा बिल्लू यार इसी कैरेक्टर में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बात की तो बिल्लू इसी कैरेक्टर में मुझे फायदा हमें मिलेगा। ओके और वुकोंग का भी मूवमेंट स्पीड कम किया गया है, स्काइलर चचा के लिए बिल्डर बहुत दुख हो रहा है बेचारा को 20 सेकंड बाद हम मार सकें, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे लास्ट वन ओनली मीसा कैरेक्टर का थोड़ा सा एबिलिटी कम हुआ है। तो चलो बिल्डर यार वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चलो नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते बिना बकचोदी के। यहाँ पे न्यू वेपन, यहाँ पे हमारा न्यू वेपन बिल्डर M24 आ रहा है, अभी मजा आएगा ना बिल्लो। देखने वाली बात होगी बिल्लो यार के AR के रूप में आ रहा है या फिर स्नाइपर के रूप में आ रहा है, जहां तो उम्मीद है बिल्लो मुझे AR MO के ही रूप में आएगा, युद्ध सूत्रों के मुताबिक पता चला है। ओके तो चलो बिल्डो यार नेक्स्ट अपडेट पिन सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि बिल्डो यार जब हम कुछ पिन करते थे पहले उसमें ऑप्टिमाइजेशन किया गया, बंदा डाउन होगा उसको भी हम पिन करके बता सकते हैं, बंदे को सामान कुछ पिन करना उसको भी पिन करके बता सकते हैं, यानी कि पिन के सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया ताकि देखने में बेटर लगे। नेक्स्ट अपडेट बात किया था गियर अपग्रेड सीजन, यानी कि बिल्डो यार हम जब सामान खरीदते थे उसके साथ अब हमें मिलेगा का, अरे भैया लेवल 3 का बिल्डो बेस्ट मिलेगा और कुछ खास नहीं रहा बाबू, ज्यादा खुश मत हो ठीक है। नेक्स्ट अपडेट की बात किया था बिल्डो न्यू बॉम्ब स्क्वाड कमिंग सून, यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड बिल्डो फिर से आ रहा है, बॉम्ब स्क्वाड पहले आया था शायद, आई थिंक ये फिर से आ रहा है, बॉम्ब की बारिश फिर से होगी, तो रेडियो जाओ सारे बिल्डो लोगों जो बॉम्ब का यूज ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे बात किया था बिल्डो स्टेट टंड नाम का एक इवेंट आएगा, मैं श्योर तो नहीं बिल्डो यार लेकिन 100% मैं कह सकता हूँ कि ये सारे बंडल हमारा इनक्यूबेटर का नेक्स्ट बंडल हो सकता है। इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट अपडेट तो बिल्डो यार बिल्ड योर वर्ल्ड न्यू क्राफ्टलैंड गेम प्ले, तो यानी कि बिल्डो यार क्राफ्टलैंड में हमारा फिर से एक वर्ल्ड बना सकते हैं, फिर से मैप क्रिएट कर सकते हैं वगैरह वगैरह हैं तेन सब कुछ कर सकते हैं। तो ये था बिल्डो हमारा छोटा सा अपडेट, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो बिल्डो यार फिर से हमारा मेंटेनेंस वाला वही अपडेट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त, सारी अपडेट के बारे में मैंने आपको एक एक करके पाई पाई समझा दिया। मोस्ट पावरफुल अपडेट बात की जाती है बिल्डो यार हमारे कैरेक्टर्स वाला ही हुआ, इसके अलावा कुछ खास अपडेट नहीं, बाकी कोई न्यू मोड आ रहा है कोई न्यू गन आ रहा है कुछ कुछ अपडेट हुआ है। तो बिल्डो यार ये था मेरा छोटा सा वीडियो, तो बिल्डो यार अपडेट आपको पसंद आ गई थी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल के सब्सक्राइब बटन को नहीं तोड़ा यार तोड़ दो, वंस अगेन बोल रहा हूं मामू को टॉप में जाना क्योंकि सफलता वक्त मांगती होगी। तो चलो बिल्डो यार वीडियो को इसी खुशी के साथ इसी शुभकामनाएं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल पे बने रहो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो रे बाबू तोड़ दो। तो मिलते हैं बिल्डो शाम को फ्री फायर के लाइव में जो कि होने वाला 6 बजे से आज का लाइव, अभी तो लाइव नहीं हो पाएगा।